दोस्तों आज आपको इस्लाम का मजाक बनाने वाली एक खातून का ऐसा इबरतनाक वाकया दिखाएंगे जिसे टेलीविजन शो पर लाइव दिखाया गया। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों रशिया के टेलीविजन शो में मजहब के ऊपर एक डिबेट चल रही थी। शो में शरीक एक खातून ने इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए वहीं बरहना लिबास में लाइव टेलीविजन पर नमाज की कॉपी करना शुरू कर दी। शॉर्ट कपड़ों में मौजूद इस खातून ने जब स्टेज पर ही सजदे वगैरह करना शुरू किए तो जाहिर बात है जब नीम बरहना खातून स्टेज पर ऐसा करेगी तो मनाजिर ऐसे इखलाक बाख्ता थे कि वहाँ मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगे। इस बिहाई का मंजर हम तो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते मगर इसकी तफसील आपको ज़रूर बताते हैं। ये खातून इस प्रोग्राम में अपने एक पालतू कुत्ते के साथ शरीक थी और जिस तरह ये इस्लाम का मजाक उड़ा रही थी, करना खुदा का ऐसा हुआ कि उसी वक्त उसके पालतू कुत्ते ने उस पर हमला कर डाला और उस बेहया खातून को गर्दन से दबोच लिया। ये मंजर देखकर फौरी तौर पर वहाँ की सिक्योरिटी ने इसे छुड़ाने की भरपूर कोशिश की मगर मामला दोस्तों इतना नाजुक था कि वो कुत्ता आखिरी दम तक उस खातून की गर्दन को दबोचे रहा। इस सूरत हाल में आखिरकार उस कुत्ते पर बेहोश करने वाली गोलियां फायर करना पड़ी और खून में लथपथ इस खातून को फौरी तौर पर अस्पताल में पहुंचाया गया। फिर इस खातून के बारे में कोई ऐसी खबर नहीं मिली कि ये बच गई या फिर उस कुत्ते के वार से मारी गई। दोस्तों रशिया में सेंसरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसे वाकयात को ऑन एयर नहीं जाने देते, यानी लोगों तक ये खबर नहीं पहुंच पाती। अब चूंकि ये लाइव टेलीविज़न शो था चुनांचे हज़ारों लाखों लोगों ने इस मंजर को बराह रास्त देखा और इनमें से जिनके जहनों पर मोहर नहीं लगी हुई थी उन्होंने जान ही लिया होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दीन का मजाक उड़ाने वालों को किस अंजाम से दोचार करता है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।